नमस्कार, स्वागत है सबका ई मशरूम फार्मिंग चैनल में। दोस्तों, आज ये वीडियो में हम लोग देखेंगे मशरूम बेड का जो पॉलीथिन है आपको कब खोलना चाहिए और कितने समय के लिए खोलना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो हम लोगों ने आज बनाया है। उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आप मशरूम बेड का जो पॉलीथिन है कब आप खोलेंगे, सो आपका पिन हेड अच्छे से आएगा, माइसेलियम अच्छे से ग्रो करेगा और आप अच्छा खेती ले सकते हैं मशरूम का। जो आप देख सकते हैं हमारा फार्म में मशरूम का जो बेड है उसके ऊपर पॉलीथिन कवर है। तो ये जो पॉलीथिन कवर है हम लोग डालते हैं कब दोस्तों, जब हम मशरूम का खेती स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ने अपना स्पॉन या बीज डाल दिया। बीज डालने के 5 दिन तक हम लोग मशरूम का बेड का पॉलीथिन खोलते नहीं हैं, 5 दिन तक, ये याद रखिएगा। 5 दिन के बाद जब आप बेड को मशरूम का बेड का जो पॉलीथिन है वो खोलते हैं, तो आपको ऐसे जैसे दिख रहा है अभी स्क्रीन में वाइट कलर का दिखेगा आपको, स्पाइडर वेब, स्पाइडर का जैसे घर बनाता है स्पाइडर जैसे, वैसा आपको ऐसे दिखेगा वाइट कलर का वेब दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेलियम। तो ये क्या करता है, अभी 1 से लेकर 5 दिन तक आपने जब मशरूम का बीज डाल दिया तो 5 दिन के अंदर ऐसा माइसेलियम आपका पूरा बेड के ऊपर ग्रो करता है। तो ये जो माइसेलियम है 5 दिन तक आपको मशरूम का बेड खोलना नहीं है। क्यों, हम लोगों का जो माइसेलियम ग्रो करने के लिए उसको ऑक्सीजन का दरकार नहीं है, उसको ऑक्सीजन दरकार नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको ओढ़ के रखते हैं क्या, पॉलीथिन। तो उसको 5 दिन के बाद जब खोलेंगे तो उसमें माइसेलियम ऐसे पूरा आपके बेड पे ग्रो कर जाएगा। तो आपको 5 दिन के बाद पता करना है आपका माइसेलियम कितना ग्रो किया है। तो आप 5 दिन के बाद जब खोलते हैं आपका बेड तो आपको पता चल जाता है, चलो माइसेलियम अच्छे से ग्रो हुआ है बेड में, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये की बात याद रखिएगा, अगर माइसेलियम अच्छे से ग्रो कर गए आपके बेड में तो मतलब आप 70-80% सक्सेसफुल हो गए। अभी आपको आगे का रास्ता तय करना है क्या, मशरूम का खेती, मतलब मशरूम प्रोडक्शन करना है। तो जब 5 दिन हो गया, 5 दिन के बाद आपको क्या करना है, खोल के देखना है माइसेलियम कितना ग्रो किया है। अभी 5 दिन हो गया, अभी 6 दिन, 6वें दिन आपको क्या करना है, उसको बेड को थोड़ा 2-3 घंटे तक खोल के रखना है, हवा देना है 2-3 घंटे तक। 2-3 घंटे तक जब हवा लग जाएगा उसको, तो फिर क्या करना है, पॉलीथिन बंद कर देना है। 6 दिन का हो गया, अभी 7वां दिन, 7वां दिन को उसको, 7 डे को आपको वही काम करना है रिपीट, क्या, पॉलीथिन को खोल के रखना है। खोल के रखे तो क्या होता है, उसमें हवा जाएगा, माइसेलियम सूखेगा। जितना आपका माइसेलियम, जो वाइट पार्टिकल आप देख रहे हैं उसको माइसेलियम बोलते हैं, वो माइसेलियम जितना सूखेगा उसका आपका मशरूम आगे उतना अच्छा प्रोडक्शन आएगा। तो 7वें दिन भी मैंने बोला आपको क्या करना है, मशरूम का बेड को खोल के रखना है। तो खोल के रखेंगे तो माइसेलियम सूखेगा। अभी 7वां दिन हो गया, अभी जाएंगे हम 8th डे, 8वां दिन को। तो 8th डे में क्या करना है आपको, सुबह से लेके शाम तक 4-5 बजे तक आपको बेड को पॉलीथिन खोल देना है पूरा। सुबह खोलना है, शाम को बंद करना है, शाम 5-6 बजे को बंद करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब 8वें दिन आप पॉलीथिन बंद करने से ठीक पहले आपको क्या करना है, चेक करना है आपका बेड पूरा सूख गया है, माइसेलियम पूरा सूख गया है, तब जाके आप क्या करेंगे, बेड में 8वां दिन थोड़ा पानी दे देंगे बेड में, जहाँ जहाँ सूखा है वहाँ पर थोड़ा अच्छे से पानी दे देंगे 8वां दिन। 8वां दिन पानी देने के बाद आधा घंटा वेट करके पॉलीथिन को पूरा फिर से ढक देना है। तो 8वां दिन हो गया, ढक दिया। 9th डे, 9वां दिन को हम लोगों को पॉलीथिन नहीं खोलना है। अभी हो गया 9वां दिन, उसके बाद आ गया 10वां दिन। 10वां दिन में अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये जो बेड है उसको 9 दिन कवर होके 10 दिन चल रहा है। तो 10 दिन में आपको ऐसा वाला पिन हेड आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं पिन हेड्स। जो वाइट दिख रहा है और जो ब्लैक बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये दोनों पिन हेड्स हैं। जो वाइट है वो छोटा छोटा रहता है, वो आगे ग्रो करेगा, और जो बड़ा बड़ा हो गया है वो अभी मशरूम के लिए रेडी हो गया है, अभी शायद शाम तक या कल सुबह तक रेडी हो जाएगा।
तो मैंने बोला आठवां दिन आपको पॉलीथिन पानी देके ओढ़ देना है, नौवां दिन आपको खोलना नहीं है, और जब टेंथ डे आएगा दसवां दिन को आपको क्या करना है, खोल के देखना है, ऐसे आपको पीनियड्स नज़र आएगा। अगर दसवां दिन को टेंथ डे को आपको पीन हेड नहीं आया है तो 100% और एक दिन लगेगा, इलेवेंथ डे को आपको आ जाएगा ऐसा पीन हेड्स, ब्लैक कलर का ऐसा पीन हेड्स आ जाएगा। अभी 11th डे हो गया आपका, आगे जाएगा 12 दिन में भी वैसे ही आपको पीन हेड्स आएगा, जो वाइट छोटा था वो भी बड़ा हो जाएगा। 13th डे को भी आपका छोटा जो है और बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का वो और बड़ा हो जाएगा। आगे जो वीडियो है उसमें दिखाया गया है हमारा फार्म में आपको हम लोग कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं लास्ट में, वो भी आपको वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो वीडियो अभी चल रहा है इसको हुआ है 11th डे का वीडियो चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं पीन हेड्स भी है छोटा, बड़ा पीन हेड्स भी है ब्लैक कलर का, और कुछ में मशरूम बड़ा हो गया है, हम लोग उसको बेड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है आपको करना है, वेट करना है, ये जो छोटा है आपको वाइट दिख रहा है वो थोड़ा बड़ा होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। मशरूम का खेती में पेशेंस आपको चाहिए, ओके, सहनशीलता धैर्य आपको बनाए रखना है, क्योंकि मशरूम वैसा खेती नहीं है जैसे आम खेती हम लोग कर रहे हैं, बीज डाल दिया ऑटोमेटिक हो गया, वैसा नहीं है, इसको केयर करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी आपको चेक करना पड़ता है, आपका तापमान टेम्परेचर वो भी चेक करना पड़ता है कितना है, उसके हिसाब से ये होता है। तो ये आप जो बेड में देख रहे हैं 11th डे का चल रहा है वीडियो, 11th डे में हमारा मशरूम जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, आप देख रहे हैं पिन हेड बड़ा आया है, और ये पिन हेड्स जो है एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अभी जो बेड में आप देख रहे हैं वीडियो, ये हो गया है 14 डे, 14 दिन मशरूम का बीज डालने से 14 दिन तक का, 14 दिन सुबह का वीडियो आप देखिए, 14 दिन के सुबह में जो हमारा छोटा था पिन हेड्स वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है, और जो बड़ा था पिन हेड्स वो फुल ग्रोन मशरूम हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा फार्म में ये मशरूम फार्मिंग और ओरिशा छतुचास चैनल में आप देख रहे हैं 14 दिन का वीडियो, आप देख सकते हैं मशरूम बहुत ही अच्छा खिल के आया है पूरा, एक एक बेड से आपको कम से कम 750 800 900 तक मशरूम मिल सकता है एक एक बेड से, और कुछ बेड में पीन हेड्स हैं, कुछ बेड्स में मशरूम फुल ग्रोन आ गया है, आप इसको तोड़ के बेच सकते हैं बाजार में, अपना यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये 14 डेज का वीडियो है, कैसे अच्छी तरह से पीन हेड्स बड़ा हो गया है, और बड़ा वाला पीन हेड्स भी और ग्रोथ हो गया है। अभी आपका मशरूम पूरा रेडी है मार्केट में जाने के लिए। तो हमने देखा पहले दिन से लेके 14 दिन तक कैसे हो रहा है मशरूम। अभी ये मशरूम का सामने वाला बेड का सामने वाला हिस्सा हमने दिखाया, अभी बेड का पीछे वाला हिस्सा भी दिखाएंगे, पीछे की तरफ भी मशरूम है, वो ये देखिए बेड के पीछे की तरफ। तो मशरूम चारों ओर से होता है, सामने से भी होता है, पीछे से भी मशरूम और अच्छे से होता है। आपको खाली ख्याल रखना है पॉलीथिन कब निकालना है, कब डालना है, ये सब याद रखना है। पीन हेड्स आने तक, पीन हेड आने के बाद आपका मशरूम आ जाता है पूरा अपने फुल ग्रोन में आ जाता है, और आपको ज़्यादा तकलीफ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, मशरूम आपको अच्छे से प्रोडक्शन मिलता है, और अच्छे रेट में भी आप बाज़ार में बेच सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट वीडियो है जो कि आपको दिखाता है पूरा मशरूम का खेती एक दिन से लेके 15 दिन तक 14 दिन तक कैसे प्रोडक्शन आप लेते हैं,
प्रोडक्शन स्टार्ट होता है आपका 13, 14, 15, 16 तक प्रोडक्शन चलता है। कम से कम जिस दिन से पीन हेड आना स्टार्ट होता है वहाँ से लेके 3-4 दिन तक कंटिन्यूस आपको एक एक बेड से प्रोडक्शन मिलता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोडक्शन बेड का और एक लाइन से है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं एक एक बेड में कितना पिन हेड्स है, अच्छी तरह ग्रोन होके पिन हेड्स आया है, जो कि बाज़ार में इसका बहुत ही अच्छा डिमांड रहता है। पेडिस्ट्रो मशरूम का, पुआल मशरूम, इसको पुआल मशरूम बोलते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं आप लोग 14 डेज का ये बेड के पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा मशरूम तोड़ने के बाद, मशरूम बेड से निकालने के बाद बेड को जैसे था वैसे ही रखना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्रोडक्शन आया है। तो बेड आप मशरूम तोड़ने के बाद आपका पॉलिथीन कवर फिर से आपको बेड में डालना है। अभी मशरूम बेड को कभी खुला नहीं छोड़ना है, बिकॉज ह्यूमिडिटी उसका चला जाता है। ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करना है हमेशा। ह्यूमिडिटी मेंटेन करे तो आपका फार्म का कम से कम 80-85% ह्यूमिडिटी रहना चाहिए हमेशा। तो देखिए ये पूरा आपका सबर का फल जैसे मीठा होता है बोलते हैं ना, तो सबर करे तो आपको सब कुछ ठीक टाइम पे मिलता है। मशरूम का खेती में आपको सबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करना है, टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, पॉलिथीन आपको डालना है और प्रोडक्शन आपको अच्छे से लेना है। ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमने दिखाया आपको माइसिलियम कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद 5 दिन तक आपने पॉलिथीन आपने ओढ़ के रखा बेड के ऊपर, 6 दिन को आपने निकाला, 7 दिन को भी निकाला, 8 दिन को आपने पानी दिया, आधा घंटा वेट किया, फिर मशरूम पॉलिथीन डाला, फिर 13-14 डेज को आपने प्रोडक्शन लिया अच्छे से। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी चैनल, एंड सब्सक्राइब करके रहिए, आपको और अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।